नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया में जब से इस्लाम आया तब से दुनिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अशांति और मार काट फैली। इस्लाम के आने से पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा सुकून था और लोग बहुत ही शांति के साथ जिया करते थे, लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि जब से मुस्लिम लोगों की दुनिया में एक्स मुस्लिम आए तब से इस्लाम के अंदर पूरी तरह से अशांति फैल गई है। अगर आज आप लोग मुस्लिम लोगों के बीच में एक्स मुस्लिम लोगों का नाम ले देंगे तो शांति प्रिय समुदाय पूरी तरह से बेचैन हो उठेगा। दोस्तों, आज के समय में मुस्लिम लोगों के बीच में अगर एक्स मुस्लिम लोगों का नाम ले दिया जाता है तो मुस्लिम लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं कि जैसे मानो बंदर को शीशा दिखा दिया हो। जहां भी मुस्लिम लोग बैठे हो वहां पर अगर आप लोग एक्स मुस्लिम का नाम ले देंगे तो मुस्लिम लोगों को ऐसा लगता है कि मानो जैसे अल्लाह मियाँ ने उनके लिए अजाब भेज दिया है। दोस्तों, जब भी एक्स मुस्लिम और मुस्लिम लोगों के बीच बहस होती है तो ऐसी बहस काफ़ी देखने लायक होती है। जब एक्स मुस्लिम लोगों से पूछते हैं कि इस्लाम से पहले मुसलमान कौन था, यहूदी या फिर ईसाई, इस्लाम से पहले दुनिया में कौन सा धर्म था, तो मुस्लिम लोगों के तोते उड़ जाते हैं और उन्हें अपनी शक्ल कुछ ऐसे ही लगने लगती है जैसे बंदर को शीशे में। दोस्तों, एक्स मुस्लिम लोग जो भी कहते हैं वो बाकायदा प्रूफ के साथ कहते हैं और उसी आसमानी किताब का हवाला देते हैं जिसे शांति प्रिय समुदाय सबसे पाक मानता है। लेकिन एक्स मुस्लिम लोगों के सवाल सुनकर के मुस्लिम लोगों से कुछ कहा नहीं जाता और ना ही उनके मुंह से कोई जवाब निकलता। जब एक्स मुस्लिम लोग इस बात को कहते हैं कि आखिरकार 72 हूरों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी तो तुम लोग उस 72 हूरों के साथ कैसे रह पाओगे, तो यह सुनते ही अल्लाह के बंदे एकदम से आग बबूला हो उठते हैं और उन्हें काफिर कह करके संबोधित करने लगते हैं। जब एक्स मुस्लिम इस बात को कहते हैं कि अगर मर्दों के लिए 72 हूर है तो औरतों के लिए भी 72 हूरा जरूर होंगी। जब एक्स मुस्लिम लोग इस बात को कहते हैं कि क्या तुम अपनी 6 साल की बेटी की शादी एक 60 साल के बुढ़े से करा दोगे, तो मुस्लिम लोग तुरंत मना कर देते हैं। तो फिर ये जब लोग आयशा की शादी का हवाला देते हैं तब शांति प्रिय समुदाय फिर से अपना मुंह बना लेता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे सवाल हैं जब एक्स मुस्लिम लोगों से करते हैं तो उनके पास ना ही तो कोई जवाब होता है और ना ही कोई तर्क होता है। उनके पास सिर्फ एक ही लाइन होती है कि वो एक्स मुस्लिम लोगों को काफिर कह करके संबोधित करने लगते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब से दुनिया में एक्स मुस्लिम लोग आए हैं तब से मुस्लिम लोगों की दुनिया में पूरी तरह से अशांति फैल चुकी है और मुस्लिम लोग एक्स मुस्लिम लोगों को अल्लाह का अजाब मानते हैं और इन्हें काफिर कह करके संबोधित करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो कि आप लोग मुस्लिम लोगों से पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आप लोगों को किसी न किसी अल्लाह के बंदे का रिप्लाई जरूर आ जाएगा।